आज के प्रातः क्लास है 12:68। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाने वाला बाप भी रूहानी और कोई तन में बैठ समझाते हैं और समझने वाले बच्चे भी रूहानी हैं। और अभी खास तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं कि तुम कितने ऊंचे थे, उन बच्चों के लिए नहीं कहते हैं, इनके लिए भी नहीं कहते हैं। उसके लिए कहते हैं खास खास तुम बच्चों के लिए कहते हैं। तुम बच्चे माने जो सन्मुख बैठने वाले होते हैं उनको तुम कहा जाता है। ये तुम्हारे उत्थान और पतन का खेल है, तुम्हारी बुद्धि में अभी है हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अभी कितने नीच अपवित्र बन पड़े हैं। तुम पढ़ते हो तो बाप तुमको ही समझाते हैं कि तुम कितने ऊंचे थे, अभी कितने नीचे बने हो। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर पहले कहते थे आप ऊंचे हैं हम नीचे हैं। पहले तो ये पता ही नहीं था कि हम ही ऊंचे थे, ऊंचे बने हैं। अभी बाप तुम बच्चों को बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चे तुम कितने ऊंचे कितने पवित्र थे, अभी फिर कितने अपवित्र बने हो। अपवित्र को नीच और पवित्र को ऊंच कहा जाता है। जितना जितना आत्मा पवित्र होती जाती है दृष्टि भी ऊंची हो जाती है, वृत्ति भी ऊंची हो जाती है, वाचा भी ऊंची और कर्म इंद्रियों से किए हुए कर्म भी ऊंचे हो जाते हैं। उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। ऐसा तुम्हारा राज्य था सो अब फिर स्थापन हो रहा है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम कैसे पावन बनेंगे। क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जो अब तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं बाप ने तुमको स्मृति दी है, कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आधा में आए तुम विकार में गिरे।
तो विशेष बनने लगी और आधा कल्प विशेष रहे। अभी फिर तुमको वाइसलेस सतोप्रधान बनना है, इसके लिए दो अक्षर याद करना है, अभी ये तुम्हारी तमो प्रधान अवस्था है, दुनिया ही तमो प्रधान है। सतो प्रधान दुनिया की निशानी, अभी सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है, पांच हजार वर्ष पहले की बात है, जब सतो प्रधान भारत था तो इनका राज्य था। उस समय भारत बहुत उत्तम था, अभी पतित है। निर्विकारी से विकारी बनने में तुमको 84 जन्म लगे, बलवा भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे, वो गोरा अति सुंदर था, अभी तो पतित बन गया है। ये देवताएं ही असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनना है। जब निर्विकारी थे तो तुमको देवता कहा जाता था, देवता क्यों कहा जाता था? क्योंकि तुम्हारे में दिव्य वृत्तियां थी, देने की ललक थी, कोई से लेने वाले नहीं थे, भिखारी बने तो तुमको देवता नहीं कहेंगे। विकृत कर्म करने वाले बन पड़े, यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहना चाहिए, हम शिवालय के हैं, पहले हम ही विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, उस समय सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर दो कला कम हुई, थोड़ी थोड़ी करके कलाएं कम होती गई, त्रेता में दो कलाएं कम हो जाती है, पीछे भिखारी बनते हैं तो और भी गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं। इनको कहा जाता है भिखारी दुनिया, शास्त्रों में विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं, जहां गोते खाते रहते हैं वहां नई दुनिया में तो तुम क्षीर सागर में रहते थे। तो अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को समझ गए हो। पहले हम निर्विकारी थे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, हमारी पवित्र राजाई थी,
उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में कहेंगे सेमी स्वर्ग। ये तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर के सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बीच में रावण आ जाता है, फिर अंत में इस विकारी दुनिया का विनाश होगा आदि में जाने के लिए। तो पवित्र बनना है अपन को, आत्मा समझ बाप को याद करो। वो बाप ही पतित पावन है, राय देते हैं हे मीठे बच्चे अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। अपन को देह नहीं समझो, तुमने भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा किया था बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा जैसे बाप से बात करती है, अब कृष्ण कोई बाप थोड़े ही था। आत्माएं निराकार हैं, जरा शरीर थोड़े ही बात करता था। निराकार आत्माओं का बाप शिव बाबा निराकार, वो भी एक ही है। वो बेहद का बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। हद के बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, इस बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इस बेहद के वर्षे का नाम है शिवालय। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। जहां इन लक्ष्मी नारायण का राजी था, इन्हों का राजी किसने स्थापन किया? कहेंगे शिव बाबा ने। उस समय सारा भारत ही शिवालय था। शिव बाबा ने आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना की। ऐसे नहीं ब्रह्मा और कृष्ण के तन में आए और देवी देवता धर्म स्थापन करके चले गए, नहीं, स्वयं शिव बाबा ने आकर के शिवालय में देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये बात सदैव याद रहना चाहिए, बहुत खुशी की बात है। अभी फिर से हम शिवालय में जाते हैं। दुनिया में कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग में गया, कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं कि स्वर्ग क्या चीज है। नाम रख दिया है स्वर्ग, तो अर्थ भी बुद्धि में बैठना चाहिए ना। वास्तव में तुम बच्चे स्वस्थिति में जाते हो, उस स्टेज का नाम ही रख दिया है स्वर्ग। स्वस्थिति में गया,
स्वा ग कौन सी स्थिति में गया? स्व स्थिति में गया। बाकी इस दुनिया में तो कोई जाता ही नहीं है। ये भक्ति मार्ग की गपोड़े हैं, दिल को खुश करने के लिए ये गपोड़े मारे हुए हैं कि स्वर्गवासी हुआ, सच्चा सच्चा हेवन में तो तुम जाते हो। वहां कोई रोग कोई बीमारी आदि नहीं होती। सब प्रकार की बीमारियों पर तुम विजय प्राप्त कर लेते हो। सारी दुनिया पर तुम विजय प्राप्त करते हो। बिन माना ही विजयी, नाम रख दिया है विन। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां तुम सदैव हर्षित रहते हो। विजय की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। तो बाप कितना सहज करके, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, भल बाहर में कहाँ भी रहते हो तुम, वहां भी ऊंच पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता की मुख्य बात है। इसलिए इसके लिए खान पान भी शुद्ध चाहिए। देवताओं के आगे कब बीड़ी सिगरेट आदि का भोग थोड़े ही लगाते हैं। ग्रंथ के आगे कब अंडे व सिगरेट आदि का भोग रखा जाता है क्या? ग्रंथ को समझते हैं, जैसे ये गुरु गोविंद का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते हैं। ग्रंथ माना ही ग्रथित किया हुआ। सब शास्त्रों का सार समझते हैं। समझते हैं ये जैसे गुरु की देह है, ऐसे ऐसे सिख लोग समझाते हैं। परंतु ये ग्रंथ नानक ने बैठ थोड़े ही लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, अवतरण का अर्थ ही है ऊपर से नीचे उतरना। बाद में सिख लोगों की वृद्धि हुई है, फिर ये ग्रंथ आदि बने हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म आता है। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा था। ग्रंथ है हाथ का लिखा हुआ था। शिव बाप भी जैसे कि एक बुद्धि रूपी हाथ है, उस बुद्धि रूपी हाथ को बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है।
आते हैं तो कोई स्थूल ग्रंथ नहीं लिखते, गीता आदि लिखते नहीं हैं, नहीं तो भक्ति मार्ग में अभी गीता के लिए समझते हैं ये कृष्ण का रूप है। गीता को ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ है, वैसे ही कृष्ण की गीता गाई हुई समझते हैं। उस गीता को ही कृष्ण समझ लेते हैं। अब है तो गीता, कृष्ण भी है, तो कृष्ण भगवान वाच ही कहते रहते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति मार्ग में जो कुछ सुनते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है, और ज्ञान से ही सदगति होती है, और वो ज्ञान तो एक बाप के पास ही है, जिस ज्ञान से दिन अर्थात सत्यगुरु की सवेरा स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। बाकी तो सब है भक्ति, जिससे रात हो जाती है। अभी बाप कहते हैं आत्मा को प्योर बनना है, इसके लिए ये मेहनत करनी पड़े। इस मेहनत के बीच में माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान को एकदम उड़ाए देते हैं। किसको बोलने की भी फुर्सत नहीं रहती, कोई बोल भी न सके। पहला पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है। इस पर जीत पाने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक जीत नहीं पाते तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी नहीं कर सकते। हैविन के अनुभव की बात ही नहीं, यूं तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति की बात है। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आया है और वर्षे के हकदार बन गए। ये गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। कृष्ण ने नहीं गाई, उस बाबा ने ही कहा है माम एकम याद करो। बोला मैं इस साधारण तन में आता हूं,
कृष्ण कोई साधारण थोड़े ही है। वो तो अनेक जन्म लेता है। और खास जब कृष्ण का जन्म होता है तो जैसे कि बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अभी तक भी गायन करते रहते हैं। बाकी ये शास्त्र आदि तो सभी भक्ति मार्ग के हैं। अंग्रेजी में फिलॉसफी कह देते हैं। बाकी स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। वो आकर खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ। स्प्रिट आत्मा को कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो वो स्पिरिचुअल बाप ही ज्ञान का सागर है। और तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो। धारणा करते करते फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, समझेंगे कि इनमें बाप समाया हुआ है। तो सारा मदार धारणा पर है। तो अंत में बाप की याद से फिर तुम्हारे में वो ताकत आ जाएगी। इसलिए याद का जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना। वही तलवार 10-5 रुपए वाली भी होती है और वही तलवार 3-4 हजार की भी होती। बाबा तो अनुभवी है। सिखों में तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का जौहर चाहिए। तो तुम्हारी तलवार में जौहर भर जाएगा। फिर जिसको समझावेंगे वो समझते ही जावेंगे। जल्दी जल्दी समझेंगे। अभी तो तुम ड्रामा प्लान अनुसार मेहनत करते रहते हो। इससे साबित होता है कि तुम्हारी याद में वो मोहब्बत भरी हुई नहीं है जो मेहनत अनुभव करते हो। नहीं तो जब याद का जौहर भर जाएगा तो मेहनत अनुभव नहीं करेंगे। मिंटो मोटर तैयार होती जाएगी। और फिर जितना जितना बाप को याद करेंगे याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे।
पति तो पावन बाप ही ये युक्ति बताए रहे हैं। फिर एक कल्प के बाद ऐसे ही आकर के तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी ऐसे ही सभी कुछ समिटाए अपना रथ बनाने के लिए ले आवेंगे। किनको? राम और कृष्ण की आत्माओं के लिए बोला। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई? बाप में कशिश है ना। अभी अंत में तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है। कशिश होती रहेगी परंतु बनेंगे तो नंबरवार ही, क्योंकि ये राजधानी स्थापन होती है। इसमें जो जितना मेहनत करेंगे राजधानी में ऊंच पद पावेंगे। षष्ठी चक्र को तो समझ ही लिया। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक क्या क्या खेल होता है। अभी संगम युग है तो बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने के लिए। पावन अर्थात सतो प्रधान। तुम सतो प्रधान थे फिर सतो रजो तमो में आए। संग के रंग की खाद पड़ती गई। पहले पहले चांदी की खाद पड़ी, फिर तांबे, फिर लोहे की। अभी आत्मा से वो खाद कैसे निकले? कैसे निकले है? याद की अग्नि में डालने से तीव्र अग्नि में जैसे सोना पिघल जाता है, खाद भस्म हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। आत्मा प्योर होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा बन जाता है शरीर। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित बनता है। बीमार धीमार दुखी रोगी शरीर हो जाता है। ज्ञान में आने से पहले तो ये भी नमन वंदन करते थे। नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट किया हुआ, गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करती थी। कौन? कौन याद करते थे? इनको उस समय और कोई की याद नहीं आती थी। अगर बाहर और कहीं तरफ ख्याल जाता था तो अपन को चमाट मारती थी। अरे मन, तू भागता क्यों है? तेरे भागने से मुझे दर्शन नहीं मिलता। ऐसे भक्ति में मस्त था। फिर जब विष्णु का दर्शन मिला
तो भी कोई मुक्ति थोड़ी हो गई। साक्षात्कार करने के बाद भी पुरुषार्थ तो करना पड़ा ना, तो पुरुषार्थ फर्स्ट, पुरुषार्थ जरूर करना होता है। और एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है, ये एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी चैतन्य थी, जिनका फिर बाद में भक्ति मार्ग में जड़ चित्र बनाया गया। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि पहले हम भी पतित थे, अभी बाप पावन बनाने आए हैं। बाप आए हैं तो हमको नर से नारायण बनाते हैं, तुम समझते हो हम इनों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ करने के साथ साथ अच्छी रीति फॉलो भी करना पड़े, बाकी ब्रह्मा को कोई देवता थोड़े ही कहा जाता है। हाँ, विष्णु देवता कहना ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही कह देते हैं गुरु ब्रह्मा। अभी फिर विष्णु काहे का गुरु हुआ, विष्णु है कहाँ? विष्णु अर्थात संस्कारों का मेल, सभी को गुरु कहते रहते हैं। फिर पिछाड़ी में कह देते हैं परमात्मा ही नमः। उनको गुरु कहते हैं, उनको परमात्मा कह देते हैं। अरे सबसे बड़ा तो बाप है ना, उस बाप से हम ये सब सीख रहे हैं। औरों को सिखलाने के लिए सीख रहे हो। बारह नवर सट्टी वाणी का तीसरा पेज। सदगुरु जो तुमको समझाते हैं वो फिर तुम औरों को समझाते हो। गुरु के लिए ऐसे नहीं कहेंगे ये गुरु हमारा बाप है अथवा टीचर है, नहीं। तो ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। पहले हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, फिर अभी स्वर्ग शिवालय में जाना है। बाप के सिवाय तो और कोई नहीं ले जा सकता। बल कहते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, अब ब्रह्म में अथवा ब्रह्मा में लीन तो कोई होता ही नहीं है। जैसे कहते हैं ज्योति ज्योति समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। बूंद सागर में समा जाए फिर बूंद का तो विनाश हो गया। हर एक आत्मा में अपना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है।
सभी आत्माएं एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही पड़ता है और वो पार्ट कभी भी मिट नहीं सकता है। जैसे आत्मा अविनाशी, उनका पार्ट भी अविनाशी है। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना ही है। जैसे कि नई सिरे शूटिंग होती जाती है, परंतु समझो ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है, तो ये वंडरफुल खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। इस ड्रामा में सभी आत्माएं पार्टधारी है। आत्मा वंडरफुल है, कितनी छोटी सी चीज उसमें 84 का पार्ट बजता ही रहता है, शरीर धारण करके पार्ट बजाता ही रहता है, कब बंद नहीं होता। तो ये वंडरफुल सितारा आत्मा है जो प्रकृति के बीच में चमकता है, और ये सितारा कब घिसता भी नहीं है। इनका ना आदि है ना अंत है। सभी आत्माओं का ड्रामा में अनादि पार्ट है जो अनंत काल तक चलता रहता है। जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं सभी अविनाशी पार्टधारी। उन सभी अविनाशी पार्टधारी आत्माओं के बीच पहले एक्टर्स हैं महाराजा महारानी। कहो हीरो हीरोइन जो पहले पवित्र थे फिर अब अपवित्र बनते हैं। यहाँ के अपवित्र राजा रानी वहां नई दुनिया के पवित्र महाराजा महारानी के चित्र बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। ये ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था, अभी ये ज्ञान आया हुआ है। अभी भी शूटिंग होती रहती है। अभी इस बात को तुम समझते हो, इतनी छोटी आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है। कितना अजब सितारा है वो सितारा, फिर इतना पार्ट बजाता है। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग का नाम सुनकर के दिल खुश हो जाती है। भले अभी सतयुग नहीं है, अभी कलयुग है, तो जरूर पुनर्जन्म कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सभी को है, परंतु कोई भी पतित आत्मा जा नहीं सकती है। हाँ, तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से, और पावन दुनिया हेवनली गॉड फादर ही स्थापन करते हैं। फिर माया रावण हेल बनाती है, ये बात तो प्रत्यक्ष है। हेल बनाने वाले को जलाते रहते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये अनादि चला आया है, परंतु ये जलाना करना कब से शुरू हुआ ये किसी को पता ही नहीं है। आधा आधा तो कर नहीं सकते,
क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग कोई 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं, उनको अज्ञान नींद से जगाना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं हैं। है तो अभी संगम युग, जबकि बाप आकर के पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। जब तुम पावन बनेंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, और ये पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी ये कितनी बड़ी दुनिया है, सत्युग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अभी माया पर जीत पहन पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं ये माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती रहती है। पवित्र बनने के लिए कितनी हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर के क्या हाल कर देती है, जोर से घूसा लगा करके एकदम गिराई देती। फिर बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो ऐसे गिरते हैं कि फिर मुंह भी नहीं दिखाते, फिर इतना ऊंच पद पाए भी नहीं सकते। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फेल तो नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई हैं जो गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते। सन्यासी तो कहते शादी कर और पवित्र रहें, ये बहुत ही असंभव है। बाप तो कहते हैं संभव है, क्योंकि ऐसा कर दिखाने में प्राप्ति बहुत है। इस अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म ही पवित्र नहीं रहेंगे? कहते हैं बाबा जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहां तो कोई धागा आदि पहनाने की दरकार नहीं है, ये तो बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि रूपी हाथ में कंगन बांधने की बात है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बच्चियां तो बेचारी बहुत समझाती हैं, परंतु बड़े बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। तुम उद्घाटन कराते हो बड़े आदमियों से थोड़ा नाम निकालने के लिए, फिर भी वो कोई समझते थोड़े ही है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति समझाओ। बताओ कि हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, हमको शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है। पतित से पावन बनना है, इसके लिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। माम एकम कहते हैं इसलिए कि बाप के सिवाय तो कोई ऐसा कह ही नहीं सकता कि मुझे एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को याद करो। सब पत्थर बुद्धि है, पहले तो उनको बुद्धि में बिठाना है कि भारत वॉइसलेस था, अभी भारत विशियस है, फिर कैसे वॉइसलेस बनेगा? तो भगवान वाच है माम एकम याद करो, बस
इतना भी मुख से कहे तो हो सौभाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, कहते कहते ही भूल जावेंगे। भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया था कि उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम मेहनत करते रहते हो, फाउंडेशन तो लगा दिया है, बाकी अभी सर्विस स्टेशन का उद्घाटन करना होता है। 12:69 की वाणी का चौथा पेज, और ये तो गीता की ही बात है। गीता में है कि हे बच्चों, तुम काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे, और 21 जन्मों के लिए बनेंगे, भल कोई खुद न भी बने परंतु औरों को तो समझावे। ऐसे भी बहुत हैं जो औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। ये काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिराई देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज गुरुवार है, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का याद प्यार, नमस्ते।